नमस्कार दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। आज है दोस्तों 15 जनवरी 2020, और 15 जनवरी 2020 से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार एचबी और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, और सारे वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 क्वेश्चन रखा है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 20वीं अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता के लिए किसके द्वारा वेबसाइट लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, 20वीं अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग के लिए वेबसाइट लॉन्च किया गया है, और यह वेबसाइट लॉन्च किया गया है गुप्तेश्वर पांडे जी के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। पुलिस शूटिंग का लोगो भी डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इस प्रतियोगिता का आयोजन 10 से 15 फरवरी 2020 को रोहतास जिला में आयोजित किया जाएगा। इसको अब नाम आया है दोस्तों रोहतास का, तो चलिए फिर बिहार के मैप में देखते हैं रोहतास का लोकेशन, उसके बाद फिर रोहतास जिला के बारे में भी जानेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों देखिए, यह बिहार का मैप है, ये रहा आपका रोहतास जिला। रोहतास जिला का सीमा किसकी जिला से सटा हुआ है? तो देखिए, कैमूर है, बक्सर है, उसके बाद भोजपुर है, अरवल है और औरंगाबाद है। और सॉरी दोस्तों, रोहतास जिला के पास से ही एक नदी प्रवेश करती है बिहार में, जो कि रोहतास और औरंगाबाद के बीच में प्रवेश करती है। उस नदी का नाम है सोन नदी। ठीक है, चलिए इसको बिहार के एक भौगोलिक मैप में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस मैप पे ये है रोहतास जिला और ये है औरंगाबाद, इस दोनों के बीच में देखिए नदी प्रवेश कर रही है, तो ये है दोस्तों सोन नदी। ठीक है, और दोस्तों ये जो रोहतास जिला है इसका सीमा उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। ठीक है, ये साइड जो है ये उत्तर प्रदेश है, और रोहतास जिला जो है इसका अगर मैप देखा जाए तो ऐसे आके नीचे का जो ये क्षेत्र है ये भी रोहतास जिला का ही है। ठीक है, कैमूर आपको यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, और इसके नीचे और ये नदी के बीच में रोहतास जिला जो है ये जो उत्तर प्रदेश से जाके यहाँ पे थोड़ा सा सट रहा है। अब नाम आया है रोहतास का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो रोहतास जिला जो है दोस्तों पटना प्रमंडल में आता है, मुख्यालय इसका सासाराम है। इसका स्थापना हुआ था 1972 में, और दोस्तों रोहतास में ही है कैमूर अभ्यारण्य, जिसका स्थापना 1979 में हुआ था। और बिहार स्टेट हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन एक पनबिजली परियोजना है जो रोहतास के श्री खीरा नामक स्थान में है। और दोस्तों रोहतास के सासाराम में शेर सासुरी का मकबरा है। ठीक है, और सासाराम जो है ये रोहतास जिला का मुख्यालय भी है। और सासाराम में कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पर कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने 1855-56 में छिपे थे। और सासाराम के पूरा में चंदपीर पहाड़ी है, जहाँ पे अशोक के शिलालेख मिले हैं। और यह जो रोहतास जिला यह पाइराइट्स के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ का प्रमुख खनिज पाइराइट्स है, और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पाइराइट्स रोहतास जिला में ही पाया जाता है। और डालमिया नगर सीमेंट का कारखाना दोस्तों रोहतास में है। अगला क्वेश्चन है, बिहार बागवानी विकास सोसाइटी कृषि विभाग के द्वारा 3 दिवसीय तरकारी महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों तरकारी महोत्सव है, इसको हम लोग सब्जी महोत्सव भी कह सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे जगह में बिहार में साधारण बोलचाल की भाषा में सब्जी को तरकारी भी बोला जाता है, तो एक्चुअल नाम इस महोत्सव का तरकारी महोत्सव भी है। ठीक है, तो तरकारी महोत्सव 2020 का आयोजन दोस्तों पटना में किया जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और इसका आयोजन 17 से 19 जनवरी तक किया जाएगा। इस महोत्सव में सब्जी प्रदर्शनी के साथ साथ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा, और यह एक राज्य स्तरीय महोत्सव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को हिंदी सेवी सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? तो हिंदी सेवी सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर राम बदन बरुआ। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और डॉक्टर राम बदन बरुआ जो है ये वर्तमान में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक हैं, और इन्हें राजकुमार शुक्ल स्मृति सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है 2019 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में खगेंद्र ठाकुर जी का निधन हो गया है, तो वे क्या थे? तो खगेंद्र ठाकुर जी हैं जो एक साहित्यकार थे, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और हिंदी साहित्य जगत के यह प्रसिद्ध आलोचक थे। ठीक है,
1970 में 11 दिन सेंट्रल जेल में बिताने का उन्होंने सेंट्रल जेल नामक पुस्तक लिखा था। और 9 दिसंबर 1937 को झारखंड के गोड्डा में इनका जन्म हुआ था, उस समय बिहार झारखंड एक ही था, ठीक है। और दोस्तों इनका जो शिक्षा होता है स्नातक और इंटर का शिक्षा हुआ ये भागलपुर से, ये इनका पूरा किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पटना के किस व्यक्ति को लखनऊ के पहले पुलिस कमिश्नर बनाया गया है? तो लखनऊ का पहला पुलिस कमिश्नर बनाया गया है सुजीत पांडे को, जो कि पटना के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ व नोएडा में पुलिस आयुक्त प्रणाली को मंजूरी दे दी है और इसी के अंतर्गत लखनऊ के पहले दोस्तों पहले पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं सुजीत पांडे, और ये 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी है तथा पटना के ये निवासी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बिहार विधानमंडल द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति की आरक्षण अवधि को कितने वर्ष बढ़ाने के लिए संविधान के 126वें संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है? तो दोस्तों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 साल और बढ़ाया गया है, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों संसद के दोनों सदन से इसको मंजूरी मिल चुका था और साथ में अब बिहार विधानमंडल से भी इसको मंजूरी मिल गया है। और यह जो संविधान संशोधन और ये वीवीआई टॉपिक होता रहता है, यह जो संविधान संशोधन है 126वां संशोधन है या संविधान का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा संविधान संशोधन हाल ही में किया गया है, तो 126वां संशोधन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के कितने पुलिसकर्मी का चयन असाधारण आसूचना कुशलता पदक से सम्मानित करने के लिए किया गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा दोस्तों असाधारण आसूचना कुशलता पदक से सम्मानित करने के लिए बिहार के नौ पुलिसकर्मी का चयन किया गया है। और दोस्तों इसका जो अधिसूचना जारी किया गया है ये गृह मंत्री जी के द्वारा इसका अधिसूचना जारी किया गया है। अब कौन कौन से नौ पुलिसकर्मी हैं बिहार के, तो देखिए मोहम्मद मुश्ताक हैं जो कि एसआई हैं, मनोज सिंह एसआई हैं, मुकेश सिंह एएसआई हैं, ठीक है। देव पूजन प्रजापति सिपाही हैं, किशन कन्हैया सिपाही हैं, संतोष सिंह एसआई, बैजनाथ कुमार एसआई, अभिराम एसआई और रविशंकर एसआई हैं, ठीक है। इन्हीं नौ लोगों का चयन किया गया है असाधारण आसूचना कुशलता पदक के लिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय व राज्य प्रदूषण पार्षद के अध्यक्ष व सदस्यों का 64वां राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, 64वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों ये भी पटना में किया जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। इसका आयोजन 16-17 जनवरी को पटना में किया जाएगा। इसमें 28 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेशों के अध्यक्ष भाग लेंगे और सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कब से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत अंतरराज्यीय राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की शुरुआत की जाएगी? तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत अंतरराज्यीय राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की शुरुआत की जाएगी दोस्तों जून 2020 से, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और इसकी शुरुआत होने से राज्य के प्रवासी नागरिक, ठीक है, इसकी शुरुआत होने से राज्य के प्रवासी नागरिक देश के अन्य राज्य में जन वितरण प्रणाली की किसी भी दुकान से अपने कोटे का अनाज खरीद सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम में कबड्डी में बिहार के टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो दोस्तों गुवाहाटी में आयोजित किया जा रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम, इसमें बिहार के कबड्डी टीम ने कांस्य पदक हासिल किया है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। बिहार कबड्डी टीम ने अंडर 17 के महिला व पुरुष दोनों टीमों ने कांस्य पदक जीता है। तो कबड्डी में अंडर 17 में 2 पदक आया है, दोनों कांस्य पदक, महिला टीम ने भी कांस्य पदक जीता है और पुरुष टीम ने भी कांस्य पदक जीता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर्स, चलते हैं कल के रिविजन की तरफ। तो कल के रिविजन का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में बिहार की किस महिला को मशरूम की खेती के लिए धानुका इनोवेशन एग्रीकल्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अनीता देवी इसका सही उत्तर हो गया। और दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस योजना की मंजूरी दी गई है? तो गवाही सुरक्षा योजना, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। आज का रिवीजन का क्वेश्चन है, बिहार के किस खिलाड़ी को झारखंड में आयोजित ईस्ट जोन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्ट्रांग मैन का खिताब दिया गया है? और आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर को माधव राव सिंधिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
तो इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप ऑडियो सुनना चाहते हैं यानी ऑडियो सुनकर रिवीजन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम एप्लीकेशन पे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और खबरी ऐप पे दोस्तों प्रतिदिन इस वीडियो का ऑडियो सामने अपलोड किया जाता है जिसे सुनकर आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।